दोस्तों, हमें चारकोल पेंसिल से पहले हेयर का बेस बनाना है और एक ब्रश के थ्रू लाइट हेयर बेस को ब्लेंडिंग करना है ताकि शेडिंग स्मूथ दिखे। अब दोस्तों, दोबारा बेस लेयर के ऊपर हमें सेम चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर लेना है ताकि हेयर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क हो और साथ में ब्लेंडिंग भी हमें करके जाना है। अब दोस्तों, सेकेंड लेयर के ऊपर हमें फिर से और एक बार सर्कल पेंसिल का यूज़ करना है और ब्लेंडिंग करना है ताकि बालों का जो पोर्शन है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगे। अब दोस्तों, फाइनली और एक बार सर्कल पेंसिल यूज़ करके फिर से शेडिंग करना है और बालों को डार्क करना है। अब दोस्तों, HB पेंसिल का यूज़ करके हमें फेस में बेस लेयर लगाना है और ब्लेंडिंग करके पेंसिल स्ट्रोक्स को थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेना है। अब फेस में जो भी पार्ट ज़्यादा डार्क हो उस पार्ट को हम चारकोल पेंसिल से और लाइट एरियाज को हम ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। आंखें और नोज पोर्शन को हमें चारकोल पेंसिल से डार्क कर लेने के बाद हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को डार्क करना है ताकि फेस का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा दिखे। अब हमें बेस लेयर को पहले थोड़ा सा ब्रश से ब्लेंडिंग कर लेना है, फिर बेस लेयर के ऊपर 2B पेंसिल का सेकेंड लेयर हमें लगाना है और साथ में हमें एक ब्रश से ब्लेंडिंग भी करना है ताकि फेस का जो शेडिंग है वो डार्क हो। अब फेस के कुछ हिस्से में 4B पेंसिल का यूज़ करके थर्ड लेयर लगाना है। दोस्तों, अब हमें 6B पेंसिल से फोर्थ लेयर लगाना है और हर लेयर ख़त्म होने के बाद ब्लेंडिंग करना नेसेसरी होता है, तभी पेंटिंग काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। अब दोस्तों, हमें तोम्बो मोनो और 7B 8B जैसे हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ करके थोड़ा सा डिटेलिंग करना है और डिटेलिंग से पेंटिंग काफ़ी रियलिस्टिक पेंटिंग में काफ़ी रियलिस्टिक लुक आता है और इसलिए डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, लगभग फेस में शेडिंग का काम हो चुका है। अब हमें नीडेड इरेजर के थ्रू जगह जगह में कुछ हाईलाइट करना है, थोड़ा बहुत लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए ब्लेंडिंग भी करना है और साथ में डिटेलिंग भी हमें करना है। ये जो स्टेप है ये फाइनल स्टेप है फेस का। दोस्तों, इस फेस को ज़्यादा परफेक्ट दिखाने के लिए हमें बैकग्राउंड में चारकोल पाउडर यूज़ करके बैकग्राउंड को डार्क करेंगे और साथ ही साथ हमें कपड़ों को भी चारकोल पेंसिल से ही बनाना है। अब चारकोल पाउडर को हमें ब्रश के थ्रू बैकग्राउंड में अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। अब दोस्तों, इधर मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ ना करके चारकोल पाउडर को पहले लाइटली क्लॉथ को बनाने में यूज़ किया हूँ और नीडेड इरेजर से कुछ हाईलाइट भी किया है ताकि कपड़ा रियलिस्टिक दिखे और ब्लेंडिंग करने में मैंने ब्रश का हेल्प लिया है। अब इसी तरीका अपना कर हमें इस पेंटिंग में अमित जी के ड्रेस को अच्छे से बना लेना है। बिल्कुल तरीका सेम है और पूरी ड्रेस इसी तरीके से सर्कल का दास्त यूज़ करके हमें बनाना है।